Next speaker, Sri Nishikant Dubey ji. धन्यवाद सभापति महोदय. मैं राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर अपने पार्टी के सांसद सीपी जोशी साहब और उनका अनुमोदन करने वाले उदय प्रताप सिंह जी के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ. सभापति महोदय, इस पार्लियामेंट में रूल्स बने हुए हैं, किताबें हैं, संविधान है, रूल बुक है, कॉल एंड सकदर है, परंपरा है. लेकिन सर, हम सारी मर्यादा को तोड़ देते और एक बेल्जियम के बड़े अच्छे राइटर हैं सर, उन्होंने कोनाल्ड इल्स्ट, उन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी कि निगेशनिज्म इन इंडिया, भारतीयों को भूलने की बीमारी. कांग्रेस पार्टी को तो स्वाभाविक तौर पर है ही सर, लेकिन ओवरऑल भारतीयों को भी भूलने की बीमारी है. अमृतकाल है, नाम बदले जा रहे हैं. जब कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी इसका दावा करती है कि उसने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया, अंग्रेज की सारी निशानी को वो खत्म कर देगी, तो अंग्रेज तो 1750 ईस्वी के आसपास आए, लेकिन मुगल उससे बहुत ज्यादा पहले नहीं आए सर. 1526 में जो है बाबर आए. तो जो अंग्रेजों की निशानी खत्म करने की बात कर रहे हैं, उनको उन मुगलों से क्या अच्छाई है कि 1526 से वो इतिहास को क्यों नहीं बदलना चाहते. हम मुगलों की बात, हम मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, हम मुगलों की बात कर रहे हैं. प्लीज सभापति महोदय, सभापति महोदय, हम मुगलों की बात कर रहे हैं, हम मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं. हम मुगलों की बात, ये बाबर के संतान की तरह बात कर रहे हैं सर. नो नो, प्लीज प्लीज, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट निशिकांत दुबे जी स्पीच. सर सर सर, अभी सर सर सी सी प्लीज प्लीज, सौरव गोगोई, इफ एनीथिंग अनपार्लियामेंट्री डेफिनेटली इट विल बी लुक्ड इनटू, इट विल बी एक्सपेंस्ड सर. द चेयर विल एग्जामिन इट सर. मैं अभी द चेयर विल एग्जामिन इट प्लीज सर. मैं अभी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता का भाषण बड़े प्यार से गौर से सुन रहा. नाम बड़े दर्शन छोटे, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, भारत जोड़ो की बात हुई. उन्होंने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चैलेंज किया सर कि कोई पदयात्रा नहीं करता. यदि आपको 53 साल में पदयात्रा करने का शौक हुआ है तो आप करिए. आपको ये पता है कि कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्या किया है? मैंने 21 साल की उम्र में सेवा ग्राम से लेके अलकबीर तक पदयात्रा किया है सर. लगभग 800 किलोमीटर मैंने पदयात्रा किया है. और 800 किलोमीटर पदयात्रा करने के बाद वो कहते हैं कि 300 किलोमीटर में हाथ जलने लगा, पैर जलने लगा, शरीर जलने लगा. मेरा तो 800 किलोमीटर में सर पैर ही नहीं जला. एक एक दिन में मैं 45 किलोमीटर चला हूं, पूरा का पूरा दंड का नरण्य का जो. लेकिन वो चैलेंज कर रहे हैं, सभी लोगों को कह रहे हैं. मैं ये कह रहा हूं कि आप कश्मीर गए, आपको किसी ने अरेस्ट किया? आपको किसी ने झंडा फहराने से रोका? आपने ये चेंज महसूस किया कि भारत में क्या चेंज हो गया? हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसंघ के, जिनका घर मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में है मधुपुर में, वो 52-53 में गए, आपने उनको जेल में डाल दिया, वो जेल में ही मर गए. जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की यात्रा में सहयात्री थे, उनको आपने जो है किसी तरह से, चूंकि मेरे मामा वहां सीआरपीएफ के डीआईजी थे एनके तिवारी, उन्होंने जबरदस्ती 6 आदमी के साथ उनको लाल किले में झंडा फहराया, उसके बाद आपने सारे लोगों को अरेस्ट कर दिया लाल चौक पर. मेरे युवा मोर्चा, जो अनुराग सिंह ठाकुर अध्यक्ष हुआ करते थे,
उनकी जब पूरी की पूरी टीम गई तो आपने लाठी डंडे से जो है उनको लाल किले में झंडा नहीं फहराने दिया, और आज हमने आपको कहीं नहीं रोका। लाल चौक पर लाल चौक लाल चेंज प्लीज। लेकिन 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 सभापति महोदय, आप लोगों ने प्रेत को बोलने दिया। मैं चेयर से स्पीकर साहब से ही कहना चाहता हूं कि एक प्रेत जो है बोल के चला गया। आप कहेंगे कि प्रेत कौन था? जिस आदमी ने खुलेआम टेलीविजन चैनल पर कहा कि राहुल गांधी मर गया, राहुल गांधी है ही नहीं, आप जो देख रहे हो मैं हूं ही नहीं। तो अभी जो जिस व्यक्ति ने भाषण दिया वो राहुल गांधी है कि प्रेत है, ये देश को बता देना चाहिए। दूसरा मेरा प्रश्न है, मैं राहुल गांधी को चैलेंज करता हूं कि आरएसएस बहुत आप बोलते please, हैं प्लीज। मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज करता हूं कि आप आरएसएस का फुल फॉर्म क्या है ये इस सदन में आकर बता दीजिए। आरएसएस की स्थापना कब हुई, आरएसएस की स्थापना कब हुई ये आप बता दीजिए। जिस आदमी को कि अता नहीं पता नहीं, चीजों के बारे में जानकारी नहीं, और उसी आरएसएस के जो संस्थापक थे वो कांग्रेस सेवा दल के सदस्य थे, यदि राहुल गांधी जी को यही नहीं पता है तो इस देश का भगवान मालिक है सर। अभी 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 पूरा जो है नो क्रॉस ट्रैक एक्सेप्ट निशिकांत दुबे जी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। नो बिटू जी, सभापति महोदय, जो कुछ उन्होंने बोला है, होता क्या है कि अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल। 1951 में नई पॉलिसी बनी, 47 में भारत स्वतंत्र हुआ। आप ये देखें कि स्कूटर कौन बनाएगा, कांग्रेस पार्टी के जमनालाल बजाज जी की फैमिली बनाएगी या नंदा जी की फैमिली बनाएगी जो कि कांग्रेस के सदस्य थे। मैं लाइसेंस परमिट कोटा की बात कर रहा हूं। अखबार कौन चलाएगा, रामकृष्ण डालमिया जी जो कांग्रेस के मेंबर थे वो टाइम्स ऑफ इंडिया चलाएंगे, जो बिरला जी हैं वो हिंदुस्तान टाइम्स चलाएंगे। जो बिरला जी थे जो कि कांग्रेस पार्टी को चंदा देते थे, जहां महात्मा गांधी रुकते थे सर, आप ये बताइए सर, आप ये बताइए कि उनको जो है सीमेंट की इंडस्ट्री कौन डालेगा, एम्बेसडर कार कौन बनाएगा, मारुति यदि आएगा तो उसमें उनके परिवार के सदस्य जो है जो राहुल गांधी जी के चाचा थे उनकी पार्टनरशिप कैसे होगी। लाइसेंस परमिट कोटा राज और उसके ऊपर एक नहीं, उन्हीं की तीन कमेटी की रिपोर्ट लेकर आया, और मैं सब ऑथेंटिकेट करने के लिए इस पार्लियामेंट में आया हूं। महालनोबिस सावत थे जिन्होंने की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेटिस्टिकल बनाया कलकत्ता में, आईएसएस और आईएसआई, और जिनका एक शाखा वो ग्रीटी में खोलने वाले थे, ये महालनोबिस की रिपोर्ट है। वो ये कह रहे हैं कि लाइसेंस परमिट कोटा राज ये केवल बिग इंडस्ट्रियल हाउस को, करप्शन को, ब्यूरोक्रेट को और पॉलिटिशियन को फायदा पहुंचाने के लिए। दूसरे रिपोर्ट जो है इस पर उनको कांग्रेस पार्टी के खिलाफ यदि कोई रिपोर्ट दे दीजिए तो उनको एक और कमेटी, इंक्वायरी कमेटी बनाई सर, जस्टिस केसी व्यास गुप्ता की। और तीसरी कमेटी जो है 1967 में दत्त कमेटी की रिपोर्ट आई। और यह तीनों ये कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की नीतियां केवल टाटा बिरला अंबानी इसको जो है मदद करने के लिए है। आपने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया? इसके बाद सर इन्होंने कई एक चीजें कही, श्रीलंका की बात कही। मैं कागज लेकर आया हूं सर कि श्रीलंका का ये हो गया, ये मैं स्टेटमेंट लेकर आया हूं राजपक्षा जी का, और जो वायर है सर जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमेशा लिखते रहती है उसका आर्टिकल लेकर मैं आया हूं। ये कह रहा है कि भारत सरकार ने, और मैं कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं कि वायर की स्टोरी यदि गलत है, यदि श्रीलंका के राष्ट्रपति की स्टोरी गलत है तो आप जो सजा देना चाहेंगे दे दें, नहीं तो पूरी कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि यह देश का सवाल है। दूसरा दूसरा सर ऑस्ट्रेलिया की बात हुई, ऑस्ट्रेलिया की बात हुई,
कि ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जी ने फायदा पहुंचाया। मैं आपको बता रहा हूं कि क्या परेशानी है सर। कांग्रेस पार्टी चोरी करती है, चोरी और सीना चोरी का यदि उदाहरण देखना हो तो इस कांग्रेस पार्टी से देखिए। यह ऑस्ट्रेलिया का है सर। अगस्त 4, 2010 क्या हमारी सरकार थी? हमने उनको पैसा दिया, हमने उनका बिजनेस कराया। 2010 में ऑस्ट्रेलिया को माइंस, अडानी को ऑस्ट्रेलिया में माइंस मिला। इस सरकार ने दिया सर, इसने मदद किया, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने मदद किया। और यदि हिम्मत है तो रिट्रैक्ट करें। 2013 में क्लियर हुआ, मैं जानता था कि यही बोलोगे। ऑथेंटिकेट करो, मैं ये कह रहा हूं कि मैं सारा ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं। और आप जो है चोरी करके सीना चोरी करने के लिए आए हो, आपने मदद किया। यस निशिकांत दुबे जी। तीसरा सर, चेयरमैन साहब, जिन लोगों ने आरोप लगाया है, निशिकांत दुबे जी, यू प्लीज address me and don't answer to the queries from the other side. Please address me. सभापति महोदय, कोई मैं अडानी का स्पोक्सपर्सन नहीं। अडानी जो राहुल गांधी ने जिन तथ्यों को गलत रखा है उसके लिए मैं खड़ा हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि आज अडानी का, अभी प्रताप राव यादव जी कह रहे थे कि महाराष्ट्र में उनकी इन्वेस्टमेंट है। अभी कहा स्वागत राय साहब ने कि हाँ मेरे यहाँ इन्वेस्टमेंट है, 1600 मेगावाट का पावर प्लांट बनाया है, वो सीमेंट प्लांट भी बना रहा है। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन उस इलाके में बना रहा है जिस इलाके में कि आज तक एक भी इंडस्ट्री नहीं थी। हमारे कोयले से आंध्रा को, तेलंगाना को, बंगाल को, बिहार को, सभी जगह पावर जाता है, सभी जगह कोयला जाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये फोटो नो, दिस कैन नॉट बी। ये फोटो देखिए, निशिकांत दुबे, ये फोटो क्या है सर? नो, ये फोटो अशोक गहलोत के साथ उनका रिलेशन, कमलनाथ जी के साथ उनका रिलेशन, ओमन चांडी के साथ उनका रिलेशन, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आपके वाईएस राजशेखर रेड्डी के साथ अडानी का रिलेशन, ममता जी से मुलाकात का उनका रिलेशन, और 100 चूहे खा के बिल्ली चले हज को। अरे बिजनेसमैन है, सब उसका फायदा ले रहे हो, सब उसके बीच में जा रहे हो और बोलने के लिए बात करते हो। इसके बाद मैंने चैलेंज किया सर, और मैं ये गजेंद्र हालदिया की रिपोर्ट लेकर आया हूं। गजेंद्र हालदिया प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे सर, प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे, और उनकी ये रिपोर्ट है 2005 की। वो ये कह रहा है कि जीएमआर और जीबीके ये कंपीट नहीं कर पा रहे थे, और इसके लिए कंसेशनल क्लाउज कांग्रेस ने बदला। ये करप्शन है, ये प्लानिंग कमीशन के गजेंद्र हालदिया की रिपोर्ट है। यदि कांग्रेस पार्टी में हिम्मत है तो ये बताएं कि उन्होंने, ये इसमें ईजीएम की रिपोर्ट है सर, इसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट है सर, इंटरमिनिस्ट्रियल, मैं पूरा का पूरा पेपर दे दूंगा। यदि कांग्रेस पार्टी में आप जो है बदलो आप, और आप जो है हमारे ऊपर क्वेश्चन करो कि आपने जो है आज अडानी को, यस निशिकांत दुबे जी, यू कंटिन्यू। अभी सर, चेयरमैन सर, कहा गया कि अडानी साहब जो है, वन सेकंड जी सर, सर रूल अंडर 357 सर, ए मेंबर में विद द परमिशन ऑफ द स्पीकर में मेक ए पर्सनल एक्सप्लेनेशन, although there is no question before the house, but in the case no debatable matter may be brought forward and no debate shall arise. Sir, mera kehne ka matlab ye hai ki ye kya debatable hai? Agar debatable hai to debate karaiye, aapke inko permission diye hai ki ye debatable hai.